अगर आप विंडोज़ के फ़ोन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अपना फ़ोन बदलना पड़ेगा। अगले साल से व्हाट्सएप विंडोज़ पर काम नहीं करेगा। साल 2020 में व्हाट्सएप विंडोज़ फ़ोन पर काम नहीं करेगा, जिसके चलते यूज़र्स को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए नए स्मार्टफोन लेने होंगे। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि 31 दिसंबर 2019 के बाद सभी तरह के विंडोज़ फ़ोन में व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद हो जाएगा। ना तो कोई अपडेट्स दिए जाएंगे और ना ही कोई बग फिक्स किए जाएंगे, और जून के महीने में कंपनी इसकी आखिरी अपडेट देगी। इसी के साथ कंपनी 1 फरवरी 2020 से एंड्रॉयड वर्जन 2.3.7 या उससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और आईफोन iOS 7 और उससे पुराने फ़ोन्स में व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा। स्टैट काउंटर के आंकड़ों के अनुसार विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट शेयर 0.28% है, जबकि एंड्रॉयड का करीब 75% का हिस्सा है। साल 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को ख़रीदा था और इसके बाद से कंपनी विंडोज़ फ़ोन बना रही है। व्हाट्सएप ने इससे पहले भी कई फ़ोन्स में अपडेट देना बंद किया है, जिसमें नोकिया, ब्लैकबेरी, आईफोन, विंडोज़, एंड्रॉयड के फ़ोन शामिल हैं। पर अब व्हाट्सएप द्वारा विंडोज़ के फ़ोन बंद करने से लगता है कि ये लड़ाई अब व्हाट्सएप की कंपनी फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच चल रही है। उज़ैर अली जाफरी, गो न्यूज़।